डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये क्लास टू का इंग्लिश बुक है, चैप्टर थ्री, और इस चैप्टर का नाम है मिट्ठू द पैरोट। तो यहाँ पे एक पैरोट के बारे में दिया हुआ है, पैरोट की कहानी दिया हुआ है। तो इस कहानी से हमें सीखना चाहिए कि पैरोट को हमें पिंजरे में कैद करके रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो इस कहानी को हम लोग पढ़ते हैं। दिव्या हैड ए पैट मिट्ठू। दिव्या के पास एक पालतू तोता था जिसका नाम था मिट्ठू। तो मिट्ठू इज ए वेरी स्वीट नेम। मिट्ठू मीठा से ही बना हुआ है, इसीलिए तो इसको कहा गया है कि मिट्ठू जो है बहुत ही प्यारा नाम है। मिट्ठू वाज ए पैरोट। मिट्ठू एक तोता था। सी कैप्ट इट इन ए कैज। और वह उसको कैज में रखती थी। कौन? दिव्या। दिव्या उसको कैज पिंजरे में रखती थी। ए हंटर काउट मिट्ठू फ्रॉम द फॉरेस्ट। एक शिकारी ने मिट्ठू को जंगल से पकड़ा था। दिव्याज फादर बाउट इट फ्रॉम द हंटर। और दिव्या के पिताजी ने इसे उस हंटर से खरीद लिया। ही बाउट इट फॉर दिव्या। और उसने दिव्या के लिए ही खरीदा था। ये लड़की जो है इसका नाम है दिव्या। यहाँ पे देखिए, ये मिट्ठू को मिर्च खिला रही है और यहाँ पे अमरूद रखा हुआ है। तो ये कई सारे फल ऐसे हैं जो तोते को काफ़ी पसंद होता है। दिव्या लव्ड मिट्ठू वेरी मच। दिव्या मिट्ठू को बहुत पसंद करती है। सी यूज टू बाथ इट एवरी डे। वह उसको रोज नहा देती है। सी गेव मिट्ठू गुड फूड एंड क्लीन वाटर। और वह मिट्ठू को अच्छा भोजन और साफ पानी देती है। मिट्ठू लाइक चिली एंड वावा मस्ट। मिट्ठू को मिर्च और अमरूद काफ़ी पसंद है। मिट्ठू यूज टू रिपीट द वर्ड्स ऑफ दिव्या। मिट्ठू दिव्या के बताए हुए वर्ड को रिपीट करता है, बार बार दोहराता है। हर पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स। और उसके माता पिता के और उसके दोस्तों के वर्ड को भी, शब्द को भी वो दोहराता है। दे इंजॉयड ए लॉट टेकिंग विथ मिट्ठू। और मिट्ठू के साथ वे काफ़ी इंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं, आनंद लेते हैं। बट मिट्ठू डिड नॉट इन्जॉय द फूड और लव गिवेन इट। लेकिन मिट्ठू को ये सारी चीज़ें, खाना, उनके द्वारा प्यार स्नेह जो है उसको पसंद नहीं है। इट वॉज नॉट हैप्पी इन द केज। वह पिंजड़े में खुश नहीं था। इट वॉन्टेड टू फ्लाई इन द स्काई। वह आकाश में, खुली आकाश में उड़ना चाहता था। इट वॉज इजर टू ईट द फ्रूट्स ऑफ द ट्री। वह बाहर के पेड़ों से स्वयं जो है उड़कर जाकर उसके फलों को खाना चाहता था, इसके लिए वह बेताब था। इट सॉ बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई। और वह दूसरी चिड़ियों को आकाश में उड़ते हुए देखता था। दे वेयर फ्री। वे लोग सभी आज़ाद थे। दे वेयर नॉट इन केज। वे पिंजड़े में कैद नहीं थे। दे वेयर विथ देयर फ्रेंड्स। और वे लोग अपने दोस्तों के साथ उड़ते थे। दस मिट्ठू वाज टू सैड। तो ये सब देखकर मिट्ठू काफ़ी दुखी हो जाता था। वन डे एन ओल्ड पैरोट कैम आउटसाइड द विंडो। एक दिन एक वृद्ध पैरोट, मतलब बूढ़ा पैरोट जो है, और खिड़की के पास आया। द विंडो वाज नियर मिट्ठूज केज। और विंडो जो है मिट्ठू के केज के पास, उसके पिंजरे के पास ही था। हाउ कैन आई कैम आउट ऑफ दिस केज आस्क्ड मिट्ठू। तो मिट्ठू उस जो है वृद्ध तोते से पूछता है कि किस प्रकार से मैं इस पिंजरे से बाहर आ सकता हूँ। द ओल्ड पैरोट गेव आइडिया। तो उस वृद्ध तोते ने उसको एक उपाय बतलाया। ले स्टिल एंड प्रिटेंड टू बी डेड। कि मतलब तब तक इस तरह से लेटे रहो, नाटक करके, कि लगे कि वह मर गया है। दे विल टेक यू आउट ऑफ द केज। और इस प्रकार से करने से वे लोग तुमको केज से, पिंजरे से बाहर निकाल लेंगे। वैन यू सी ओपन स्काई फ्लाई अवे। और जैसे ही तुम खुली आसमान को देखो कि तुम पिंजरे में नहीं हो, वैसे ही तुम उड़ जाना। इस तरह से उसको एक आइडिया बतलाया। जस्ट आफ्टर सम टाइम दिव्या कैम टू द केज टू सी मिट्ठू। थोड़ी ही देर में दिव्या पिंजरे के पास आती है और मिट्ठू को देखती है। सींग हर मिट्ठू ले स्टिल एज इट वॉज डेड। और वह देखती है कि मिट्ठू इस तरह से लेटा हुआ है जैसे कि वह मर गया था। सी टस्ट इट विथ हिज फिंगर। वह अपने उंगली से उसको छूती है। बट इट डिड नॉट मूव। लेकिन वह कुछ भी मूवमेंट नहीं करता, हिलता डुलता नहीं है। सी गैव इट फूड बट इट डिड नॉट टेक फूड। और वह उसको भोजन देती है लेकिन वह भोजन नहीं लेता, वह लेटा हुआ रहता। दिव्या स्क्रीम्ड। और दिव्या चिल्लाती है, मिट्ठू मिट्ठू। वह मिट्ठू मिट्ठू बोल बोलकर जोर जोर से चिल्लाती है कि मिट्ठू उठ जाओ। बट देयर वॉज नो रिस्पॉन्स फ्रॉम मिट्ठू। लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स, कोई भी उत्तरदायित्व वहाँ पर नहीं मिलता। सी कॉल्ड हर मदर। वह अपने मम्मी को बुलाती है। सी कैम देयर। वह वहाँ पर आती है। सी सो मिट्ठू लइंग स्टिल।
वो देखती है कि अभी भी मिट्टू लेटा हुआ है। सी ऑल्सो टच्ड इट बट इट डिड नॉट मूव, और वो भी उसको छू कर देखती है लेकिन वह हिलता दुलता नहीं है। हर मदर सेड, और उसकी माँ कहती है इट इज डेड, यह मर गया। हियरिंग दिस दिव्या क्राइड आउट, और यह सुनकर दिव्या बहुत जोर से रोने लगती है। हर मदर ओपन द केज एंड लिफ्टेड मिट्टू अप, उसकी माँ केज को खोलती है और मिट्टू को उठाती है। सी कैरिड इट आउट ऑफ द हाउस, और वह उसको घर के बाहर ले आती है। दिव्या वाज बिहाइंड हर वीपिंग अलाउड, और दिव्या उसके पीछे पीछे रहती है जो कि जोर जोर से रोती रहती है। दिव्याज मदर लेड मिट्टू डाउन ऑन द पाइल ऑफ रबीस, और दिव्या की माँ उसको कूड़ों के ढेर में रख देती है। एज सी टर्न टू लिव, और जैसे ही वो उसको छोड़ती है मिट्टू फ्लैप्ड इट्स विंग्स एंड फ्ले अवे इन द स्काई फर, और मिट्टू जो है अपने विंग्स को अपने पंखों को फड़फड़ाने लगता है और आकाश में उड़ जाता है, फर से उड़ जाता है। नाउ मिट्टू वाज फ्री, और अब जो है मिट्टू आज़ाद था। तो इस तरह से यहाँ पे ये स्टोरी समाप्त हो गया है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चंस दिया हुआ है। यहाँ से इस चैप्टर का क्वेश्चन शुरू होता है। तो सबसे फर्स्ट में यहाँ दिया हुआ है न्यू वर्ड्स, जो कि वर्ड मीनिंग है, और इसको इंग्लिश में ही इसका मीनिंग बताया गया है। तो कम से कम आप लोग एक बार पढ़कर इसको जरूर याद कर लेंगे। और इसके आगे यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, और इसमें चूज करने के लिए बोल रहा है, चूज करके भरना है। तो यहाँ पे डेस काउट मिट्टू फ्रॉम द फॉरेस्ट, तो यहाँ पे दिया हुआ है ए हंटर काउट मिट्टू फ्रॉम द फॉरेस्ट। दिव्याज फादर बाउट मिट्टू फॉर हर डॉटर, दिव्या के पापा जो है उसके लिए अपनी बेटी के लिए मिट्टू को खरीदे थे। मिट्टू लाइक टू ईट, मिट्टू को खाना पसंद है क्या, केक या चिली। तो मिट्टू तोता जो होता है केक खाना पसंद नहीं करता है, चिली खाना पसंद करता है, तो यहाँ पे चिली हो जाएगा। उसके बाद दिव्या बाथ मिट्टू एवरी डे, हर दिन उसको नहा देती थी। वीक नहीं होगा, सप्ताह में एक दिन नहीं नहाया जाता है, डेली नहाया जाता है। मिट्टू वाज डेस इन द केज, तो सेड होगा या हैप्पी होगा। तो केज में कोई भी रहता है तो उसको वो हैप्पी नहीं होता है, वो सेड होता है। तो यहाँ पे मिट्टू वाज सेड इन द केज यहाँ हो जाएगा। एफ नंबर में दिव्याज मदर लेड मिट्टू डाउन ऑन द रबिस, रबिस मतलब कूड़े के ढेर में, वहाँ पे उसको जब वो मर गया था, जब उसको लगा कि मर गया है तो उसको रबिस में जाकर फेंक देती है, उसको रख देती है वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर थ्री में इसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, इसमें भरने के लिए दिया गया है, और यहाँ पे इसको चूज करके भरना है। पैरोट इज ए बर्ड, दिव्या इज ए गर्ल, द अपोजिट वर्ड ऑफ ओल्ड इज न्यू, अपोजिट वर्ड ओल्ड का न्यू होगा। बर्ड्स वेयर फ्लाइंग इन द स्काई, पक्षी जो होते हैं वो आसमान में उड़ते हैं। द अपोजिट वर्ड ऑफ मदर इज, तो मदर का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, फादर हो जाएगा। यहाँ पे फादर दिया हुआ है, तो इस तरह से इसको आसानी से हम लोग भर सकते हैं। यहाँ पे वैसे भी टिक लगा हुआ है, सब सही है। फोर नंबर में यहाँ पे कई सारे एनिमल्स छपे हुए हैं, और उन सब का यहाँ पे इस बॉक्स में, हेल्प बॉक्स जो है इसमें उसका आवाज़ का वर्ड लिखा हुआ है, तो उसको जो है सही एनिमल के पास लिखना है। जैसे कि द लायन, तो लायन क्या होगा, रोर्स होगा। यहाँ पे रोर्स दिया हुआ है, ए नंबर दिया हुआ है, हो सकता है आपको ना दिखे, तो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे इसका आंसर लिख के दिखा देता हूँ। उसके बाद बी नंबर दिया हुआ द हॉर्स, तो हॉर्स के लिए वर्ड यूज होता है नाइस, नाइस यूज होता है। उसके बाद द डंकी, तो डंकी के लिए कौन सा वर्ड दिया हुआ है, यहाँ पे सी नंबर ब्रिज, यहाँ पे ब्रिज। और द मंकी, तो मंकी के लिए चैटर्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे। और द माउस, माउस के लिए स्क्वैक्स दिया होगा, तो उसको मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दे देता हूँ। और द फ्रॉग, क्रॉकर्स, फ्रॉग के लिए क्या यूज हुआ है, क्रॉक्स यूज हुआ है, यहाँ पे एफ नंबर में क्रॉक्स। और चूहे के लिए स्क्वैक्स यूज हुआ है, उसके आगे भी दिया हुआ है, तो देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है जी नंबर में द स्नैक हिसेस होगा, और द डक, तो डक के लिए क्वैक्स यूज होता है, क्वैक। द स्पेरो, स्पेरो के लिए चर्पिंग यूज होता है। तो हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन सा वर्ड दिया हुआ है, और उसके लिए वही वर्ड होगा। यहाँ पे क्या था, क्वैक है डक के लिए, और चर्प्स, चर्प्स दिया हुआ है इसके लिए, स्पैरो के लिए, और हिसेस दिया हुआ है स्नैक के लिए। तो ये बिल्कुल सही है, इस तरह से हो जाएगा। और फाइनली लास्ट में जो है दिया हुआ है इस चैप्टर का मुख्य क्वेश्चंस, तो यहाँ पे दिया हुआ है हु काउट मिट्टू फ्रॉम द फॉरेस्ट,
तो इसका आंसर हो जाएगा ए हंटर काट मी टू फ्रॉम द फॉरेस्ट। हु बाउट द पैरट फ्रॉम द हंटर, तो हंटर से किसने पैरट को खरीदा? दिव्यास फादर बाउट इट फ्रॉम द हंटर, तो ये आंसर हो जाएगा इसको। उसके बाद हु टुक केयर ऑफ मिठू, तो मिठू का ख्याल कौन रखता था? दिव्या टुक केयर ऑफ मिठू, तो दिव्या उसका ख्याल रखती थी। व्हाट डिड मिठू लाइक टू इट, मिठू लाइक्ड टू इट चिली एंड गुआवा। व्हाई वाज मिठू सेड, तो मिठू सेड क्यों था? मिठू वाज सेड बिकॉज इट वाज इंप्रिज्ड इन द केज, तो मिठू इसलिए सेड रहता था क्योंकि वह पिंजड़े में बंद था। व्हाट डिड द ओल्ड पैरट एडवाइस मिठू, तो ओल्ड पैरट ने मिठू को एडवाइस दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा द ओल्ड पैरट एडवाइज मिठू ले स्टिल एंड प्रिटेंड टू बी डेड व्हेन यू सी ओपन स्काई फ्लाई अवे, कि तब तक जो है नाटक करते रहो और इस तरह से जैसे कि डेड हो गया मर गया इस तरह से करते रहो और जैसे ही तुमको खुला आसमान दिखाई दे बस उड़ जाना, इस तरह का वो एडवाइस दिया था। और लास्ट नंबर में हु लेट मी टू डाउन ऑन द पाइल ऑफ रबिस, तो मिट्टू को रबिस में कौन रख देती है? दिव्याज मदर लेड मिठू डाउन ऑन द पाइल ऑफ रबिस, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो यहाँ पे यह चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो गया। अगर हमारा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके अगले चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर चलेंगे।